गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम लोग दुर्गा पूजा के ऊपर निबंध पढ़ेंगे। हम सबको पता है कि दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल के मुख्य त्योहारों में से एक है, या हिंदुओं के भी मुख्य त्योहारों में से एक है। सब लोग बहुत उमंग के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। हर एक साल बहुत सी तैयारियों के साथ देवी दुर्गा के सम्मान में यह त्योहार मनाया जाता है। वह हिमालय और मेनका की पुत्री और सती का अवतार थी, जिनके बाद में भगवान शिव से शादी हुई थी। अभी माना जाता है कि यह पूजा पहली बार तब से शुरू हुई थी जब भगवान राम ने रावण को मारने के लिए देवी दुर्गा से शक्ति प्राप्त करने के लिए यह पूजा की थी। अब देवी दुर्गा की पूजा क्यों की जाती है? देवी दुर्गा की पूजाओं से जुड़ी कई कथाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा है कि दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर नामक एक असुर का संहार किया था, यानी उनका वध किया था, जो कि भगवान का वरदान पाकर काफी शक्तिशाली हो गया था और बहुत ही आतंक मचा रखा था। रामायण में कहा गया है कि भगवान राम ने 10 सिर वाले रावण का वध इसी दिन किया था। इस दिन विजयदशमी के दिन, जिस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इस पर्व की को शक्ति का पर्व कहा जाता है। देवी दुर्गा की नवरात्रि में पूजा की जाती है। यह नवरात्रि 9 दिनों की होती है, क्योंकि यह माना जाता है उन्होंने 10 दिन और रात युद्ध करके महिषासुर नामक राक्षस को मारा था। उनके 10 हाथ और सभी हाथों में विभिन्न हथियार है। देवी दुर्गा के कारण लोगों को उस असुर से राहत मिली, जिसके कारण लोग उनकी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। इस त्योहार पर देवी दुर्गा की पूरी 9 दिनों तक पूजा की जाती है। यद्यपि पूजा के दिन स्थानों के अनुसार अलग अलग होते हैं, माता दुर्गा के भक्तों पर पूरे 9 दिन तक या पहला या आखिरी दिन उपवास रखते हैं। वे देवी दुर्गा की मूर्ति को सजाकर प्रसाद, जल, कुमकुम, नारियल, सिंदूर आदि सभी अपनी क्षमता के अनुसार जो ला सके उस अनुसार माता को अर्पित कर पूजा करते हैं। सभी जगह बहुत सुंदर लगते हैं, चारों तरफ वातावरण बहुत ही स्वच्छ और शुद्ध हो जाता है। ऐसा लगता है कि वास्तव में देवी दुर्गा आशीर्वाद देने के लिए सभी घरों में आ जाती है। यह विश्वास किया जाता है कि माता की पूजा से आनंद, समृद्धि, अंधकार का नाश और बुरी शक्तियां हटती है। आमतौर पर कुछ लोग 6-7-8 दिन लंबा उपवास करने के बाद 3 दिन की पूजा करते हैं। वे 9 अविवाहित कन्याओं की भी पूजा करते हैं, किस लिए? देवी को खुश करने के लिए। और हम सबको पता है कि कलकत्ता में यह पूजा प्रसिद्ध होने के कारण पूरे कलकत्ता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, और विभिन्न जगहों पे बड़े बड़े पंडाल और बड़ी बड़ी मूर्तियों के साथ लोग उत्साह और उमंग से इस त्योहार को मनाते हैं। हिंदू धर्म के हर त्योहार के पीछे सामाजिक कारण होता है। यह दुर्गा पूजा मनाने के पीछे भी यही सामाजिक कारण है। दुर्गा पूजा अनीति, अत्याचार तथा बुरी शक्तियों के नाश के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा मनाया इसलिए जाता है क्योंकि हमें लगता है कि इससे हम बुरी शक्तियों का नाश कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मेरे दिए गए निबंध तथा अपनी पाठ्य पुस्तक दिए गए निबंध को दोनों को ही अच्छे से पढ़ेंगे और इसे कॉपी में लिख के अगले दिन मुझे नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे 1:40 के अंदर सेंड करेंगे।